हेलो गाइस, आज हम माइनक्राफ्ट में 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्म बिल्ड करने वाले हैं, जिसके अंदर रहेगा अपना फूड, वुड, फ्यूल, एक्सपी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयरन फार्म। सो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे अपने फूड फार्म से, ठीक है। अब यार वर्ल्ड शुरू करने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन सारी चीज़ों का ही होता है। तो सबसे पहले हम एकदम ही आसानी से एक अच्छा सा फूड फार्म बनाएंगे, जिससे अपना फूड का भी काम हो जाएगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में तो ऐसे विलेजर्स, फिर बहुत सारा हॉपर वॉपर ग्लास ये सब नहीं रहता है ना, इसलिए हम ऐसे बेसिक सा एक फार्म बनाने वाले हैं सबके सब फार्म। तो सबसे पहले हमें यहाँ से ऐसे 3 ऐसे ब्लॉक लगाकर बीच में एक डिस्पेंसर, फिर ऐसे 3 ब्लॉक लगाकर बीच में एक डिस्पेंसर, फिर ऐसे 3 ब्लॉक लगा के बीच में एक डिस्पेंसर, और फिर इन साइड्स को ऐसे 2 ब्लॉक तक ऊँचा कर देना है। एंड हमें ऐसे करते करते 8 ब्लॉक तक आगे जाना है। सो यहाँ पर मैंने कैरेट लगा दिया है सारे ज़मीन पे, और अभी हम यहाँ पर जो अपना कलेक्टिंग सिस्टम है वो बनाने वाले हैं, ताकि हमारा कम से कम हॉपर खर्च हो, ठीक है। क्योंकि भाई एक हॉपर बनाने में 5 आयरन्स लगता है, ठीक है भाई। 5 आयरन्स भाई ढूंढने में तो ऐसे तो मतलब जब स्टार्टिंग में भाई बहुत ही रेयर चीज़ होता है मेरे लिए भाई आयरन। सो यहाँ से हम बस एक हॉपर लगाएंगे और साइड से वो बिल्डिंग ब्लॉक्स लगा देंगे, ताकि वो जो फसलिया है वो ऐसे बाहर इधर उधर ना चला जाए। अभी बस एक बटन को प्रेस करते ही ये देखो वो सारे पानी में बहते 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 इस हॉपर तक आएगा एंड फिर अपना काम हो जाएगा शायद ये। हाँ भैया यहाँ पर अटक गया, या 2 ब्लॉक तक भी ऊँचा कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ऐसे अपना कैरेट जो है आता रहेगा। ये हो गया। हाँ भाई अभी बस देखना भाई, एकदम ही मन क्या ही पता है, बहुत अच्छा वर्क करता है भाई स्टार्टिंग के लिए ये फूड फार्म, बहुत ही अच्छा है। ये देखो एंड शायद वो हॉपर, हाँ भाई हॉपर में जम गया है कुछ। सो अभी हम बनाने वाले हैं ऊट फार्म, ठीक है। माइनक्राफ्ट में तो बहुत सारा ऊट रहता है, बट सबसे अच्छा मतलब वुड के मामले में सबसे अच्छा वुड भाई स्प्रूस और इधर का जो जंगली वुड, यही सबसे अच्छा है। तो सबसे पहले हम ऐसे 30 ब्लॉक्स तक ऐसे ऊंचा करके फिर नीचे उससे करीब या 5 या 6 ब्लॉक दूर हम ऐसे 4 ट्री लगाएंगे, जंगली वुड का या फिर स्प्रूस मान लो, कुछ भी लगा दो। क्योंकि भाई एक जंगली का पौधा जब बढ़ता है ना, ठीक है, 4 जब एक साथ ऐसे बढ़ता है, बड़ा एक ट्री होता है, उससे हमें करीब करीब 1 स्टैक और हाफ स्टैक वुड मिलता है। एक पेड़ को काटने के बाद अगर इतना सारा वुड मिले तो भाई क्या हम ऐसे ओक ट्री को ऐसे ऐसे घूम घूम के काटेंगे, क्यों भाई क्यों। स्प्रूस एंड ये जो जंगली लॉग है भाई, ये बहुत अच्छा अपना वुड का जुगाड़ कर देता है। अब आपको हर बार, ओ भाई साहब एक बार ही देखो भाई, 2 स्टैक मेरे को वुड मिला। अब यार देखते हैं स्प्रूस से कितना मिलता है। अब यार ये तो मतलब एकदम श्योर नहीं है कि भाई आपको हर बार ऐसे 2 स्टैक ही मिलेंगे, ठीक है। कभी कभी 1 स्टैक और हाफ स्टैक मिला, कभी ऐसे 2 स्टैक मिला, या फिर ऐसे कुछ ऐसे आगे पीछे मिलता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 स्टैक तो मिलता ही मिलता है। इसलिए भाई सबसे अच्छा पेड़ मेरे लिए तो भाई स्प्रूस एंड
वो जो क्या होता है जंगली, यही है। तो भाई साहब इसमें भी हमें कम वुड नहीं मिला, ठीक है, इसमें भी हमें कम से कम एक स्टैक एंड हाफ स्टैक तो मिला है, ठीक है, हाफ स्टैक के 32 या 25 हाफ स्टैक के आसपास है। तो भाई यार वुड के लिए सबसे बेस्ट स्प्रूस एंड जंगली। सो अब भी हम आ चुके हैं हमारे फील फार्म में, मतलब फील फार्म बनाने में। सो हम क्या करेंगे, दोनों चीज़ से हम अपना फील फार्म आज बनाएंगे। सो सबसे पहला होगा अपना केल्प से, क्योंकि सभी को पता है कि भाई केल्प जब हम उसको जलाते हैं फर्नेस में तो हमें ड्राई केल्प मिलता है, और 9 ड्राई केल्प से एक केल्प ब्लॉक बनता है जो भाई 3-4 कोयले के बराबर एक केल्प ब्लॉक होता है, ठीक है। सो ये हमारा कोयले की नीड पूरी करेगा। एंड दूसरा जो है वो है बाम्बू वाला, ठीक है, बाम्बू भी ऐसे फर्नेस में कोयले की जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे हम कोयले की जगह लावा भी यूज़ कर सकते हैं नेदर में जाके हम, क्योंकि भाई नेदर में तो अनलिमिटेड लावा सोर्स होता है, सो वहाँ से हम लावा ऐसे ला सकते हैं। सो ये एक ऑटोमेटिक होगा, मतलब केल्प वाला तो ऑटोमेटिक नहीं होगा बट बाम्बू वाला ऑटोमेटिक होगा, जिसमें बस हमें फर्नेस में जाके जो हमें जलाना है लाइक आयरन ओर हो गया या फिर फूड हो गया, रॉ फूड लाइक रॉ किचन, अबे यार रॉ चिकन, रॉ मटन, ऐसा कुछ फूड, ठीक है। सो अभी बस देखते रहो हम कैसे इसको बनाते हैं। केल्प वाले से ज़्यादा अच्छा है भाई बाम्बू वाला, क्योंकि भाई केल्प वाले में हमें ऐसे ड्राई केल्प को निकालना होता है चेस्ट से, फिर हमें केल्प ब्लॉक क्राफ्ट करना पड़ता है, फिर जाके एक केल्प ब्लॉक बनता है। भाई बहुत बहुत सारा, मतलब क्या बोले, टाइम वेस्ट होता है केल्प वाले में। बट बाम्बू में भाई बस जाओ अपना सामान अंदर रखो और आपका सामान चेस्ट में आ जाएगा। बट यार ये जो केल्प वाला है ना, इसको हम कई ऐसे बोन मील फार्म में तब्दील कर सकते हैं, मतलब इसका जो स्मोकर है उसको हटाकर वहाँ पर अगर हम कंपोस्टर लगा देंगे तो फिर ये बोन मील फार्म बन जाएगा। मतलब फार्म एक ही होगा बट इसको हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसको हम एक्सपी पर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम बाम्बू फार्म भी हमें एक्सपी देगा। सो भाई यार मेरे तरफ से तो भाई बाम्बू फार्म ही बेस्ट है, क्योंकि भाई बोन मील फार्म हम बहुत दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, इसलिए भाई फ्यूल के लिए बाम्बू फार्म ही ज़्यादा बेटर है। बट मेरा कर्तव्य है आपको दिखाना, इसलिए मैं बना रहा हूँ केल्प फार्म। अब यार बस जैसे ही केल्प भरेगा, पीछे का जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व करेगा एंड इसको सिग्नल देगा और पिस्टन जो केल्प है इसको तोड़ देगा, कुछ ऐसे, कुछ ऐसा मैकेनिज्म ही है अपना बाम्बू फार्म में भी। ऐसे ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा जब भी ये बाम्बू भरा होगा एंड वो उसको काट देगा, ठीक है। बस अलग है तो इसका कलेक्टिंग सिस्टम थोड़ा अलग है एंड हॉपर का कनेक्शन, क्योंकि हॉपर इसके वो जो डिस्पेंसर है उसके पीछे लगता है, और बाम्बू फार्म का जो कलेक्टिंग सिस्टम है वो थोड़ा अलग है, बस इतना ही बस फ़र्क है इन दोनों में, और ज़्यादा फर्क नहीं है।
सो गाइस यार हमारा फार्म तो हो गया है रेडी, बस थोड़ा सा गलतियाँ हो गई थी यहाँ पर अपना फार्नेस लगाने में, सो इसको भी हम ऐसे ठीक कर सकते हैं। बस हॉपर थोड़ा इधर उधर लगेगा, ठीक है, मतलब ये बाम्बू जो है इसके अंदर फ्यूल की तरह आएगा, मतलब जो हॉपर है उसके पीछे लगना चाहिए ऐसे कुछ, ठीक है। सो अभी इसमें हम कुछ भी दे, लाइक मेरे को अभी कोल चाहिए हो तो मैं ये एक स्टैक वोट देता हूँ, तो ये अपने आप ऐसे काम करने का। सो अभी हम लोग बनाने वाले हैं अपना एक मॉब फार्म यानी एक्सपी फार्म, जहाँ पर सारे मॉब्स आकर मरेंगे और हमें मिलेगा एक्सपी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 5x5 का एक ऐसा जगह हमें चुनना होगा 5x5 का, और उसको ऐसे 4 ब्लॉक तक डिप करना है। मैंने गलती से 7x7 का बना दिया, कोई बात नहीं, इसको पहले भर लेते, 5x5 का कर लेते, और फिर हमें करना है 4 ब्लॉक तक डिप, ठीक है। इसको 4 ब्लॉक तक डिप करके भाई पहले कर लेते हैं, फिर बोलते हैं करके क्या करेंगे। सो ये कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट। सो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर लगाना है ट्रैप डोर्स, ठीक है, चारों साइड से हमें लगाना है ट्रैप डोर्स, ताकि क्योंकि भाई ये ट्रैप डोर एक ब्लॉक की तरह काम करता है, उनको लगता है कि सामने एक ब्लॉक है लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर कुछ नहीं होता। तो कुछ ऐसे ही हमें चाहिए होगा अभी सेंटर वाला ब्लॉक, ये जो गड्ढा हमने किया है इसका सेंटर, ठीक है। सो ये एक हाँ भाई ये मिल गया अपना सेंटर, और इसके साइड में आएगा ट्रैप डोर्स, एंड इसके एकदम बीच में आएगा अपना टर्टल एग, क्योंकि आप सभी को पता है कि टर्टल एग को देख कर ज़ॉम्बी अट्रैक्ट होता है, और ये इस गड्ढे में गिर जाएगा, और फिर यहाँ से हम ऐसे 2 ब्लॉक तक छोड़ के 8 ब्लॉक तक सामने के लिए जाएंगे, ऐसे ऐसे हम ऐसे डिप करते करते 8 ब्लॉक तक जाएंगे, और यहाँ पर भी ट्रैप डोर, क्योंकि उनको लगना चाहिए कि यहाँ पर ब्लॉक है, बट यहाँ पर एक्चुअल में कोई ब्लॉक नहीं होगा। कुछ ऐसे हम 8 ब्लॉक तक जाएंगे, सो 2 ब्लॉक ज़ॉम्बीज के लिए, 1 ब्लॉक हॉपर और 1 ब्लॉक चेस्ट के लिए। सो अभी यहाँ पर आएगा अपना चेस्ट, एंड उसके ऊपर हॉपर, एंड इसके ऊपर ट्रैप डोर, क्योंकि भाई वो छुटकू ज़ॉम्बी होता है ना, वो भाई 1 ब्लॉक के अंदर से बाहर आ जाता है कुछ ऐसा। अबे यार, अबे यहाँ, हाँ भाई लग गया, एंड यहाँ पर भी ट्रैप डोर्स, एंड अभी बाहर जाने के लिए हमें रास्ता बनाना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। अब क्या होगा, वो जो पीछे के लिए हमने वो वाटर से जो बनाया था ना रास्ता, उसके पीछे हम बैठेंगे, ताकि जब ही गड्ढे के अंदर वो ज़ॉम्बीज गिर जाएगा तो वो हमारे प्लेयर को देखकर हमारी तरह अट्रैक्ट होगा, और हमें मतलब हमारे पास आते आते वो वाटर के अंदर गिर जाएगा और यहाँ पर अपने ट्रैप में फंस जाएगा, कुछ ऐसा ही अपना मेकनिज़म। सो ये देखो हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, और यहाँ से मैं वो जगह को कनेक्ट कर देता हूँ, ताकि मैं यहाँ से बाहर तक आसन से आ जा सकूँ, कुछ ऐसे हम यहाँ पर रहेंगे, मॉब आएगा यहाँ पर, फिर इसको कुटाई होगा। सो कुछ ये देखो, ये रहा मॉब्स, एंड मैं गया सर्वाइवल में, यहाँ से मैं यहाँ पर, ये देखो मेरे को देख के अट्रैक्ट हुआ एंड गिर गया, अभी इनकी कुटाई है, अभी देखना भाई साहब, भाई कम से कम 10-20 लेवल ऐसे ही हो जाएगा। सो यही था अपना एक्सपी फार्म। सो अभी हम बिल्ड करने वाले हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट आयरन फार्म, क्योंकि भाई माइनक्राफ्ट में डायमंड से भी ज़्यादा यूज़ मेरे को आयरन का लगता है, ठीक है, आप कुछ भी करो भाई आयरन का ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है माइनक्राफ्ट में। सो हम बनाने वाले एक अनलिमिटेड आयरन फार्म। सो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का आयरन फार्म वर्क नहीं करता है, भाई फार्म बनाते बनाते थक चुके हो बट आयरन को स्पॉन नहीं होता। सो उसके लिए मेरा अलग से एक वीडियो है, आप उसको जाकर वॉच कर सकते हो कि आपका आयरन फार्म कैसे आप वर्क कराओगे, ठीक, तो उसको भी आप वॉच कर सकते हो। बस देखो कि फार्म कैसे बनता है, फार्म कैसे बनता है ये तो आप सभी को पता है।
3 days later. The next day. सो गाइज यार यही था आज के लिए। अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक करना, अगर पसंद नहीं आया हो तो भी लाइक करना, क्योंकि भाई लाइक ही करना बस, ठीक है, लाइक ही करना। एंड या सब्सक्राइब भी कर ही देना, आपके भाई का चैनल है, कर देना, ठीक है, पैसा तो नहीं लगता है, कर दे ही देना। सो गुड बाय यार, चलते हैं हम भी।